इंसान को अपनी गलती सुधारने के लिए गलती क्या हो रही है वो पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग में ये पार्ट बहुत डिफिकल्ट होता है। मोस्ट प्रॉब्ली आपको अपनी गलती पता ही नहीं होती है कि आप गलत कर क्या रहे हो। आपको ये पता ही नहीं होता है कि किस चीज़ को करने से आपका फायदा हो रहा है, किस चीज़ को करने से आपका नुकसान हो रहा है, क्या करते हो आप तो आपको प्रॉफिट होता है, क्या नहीं करते हो तो आपको प्रॉफिट नहीं होता है। ये जो एक प्रॉब्लम है, ये जो एक तरीका है, इसको बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज कर रखा है लोगों ने। अगर आप इसको ऑर्गेनाइज करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्या काम कर रहा है और क्या काम नहीं कर रहा है। इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए आई एम कमिंग अप विद अ ट्रेडिंग जर्नल आइडिया। अभी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे आप अपना ट्रेडिंग जर्नल बना सकते हो, उससे क्या फायदे होंगे और आपको आगे चल के वो कैसे आपकी हेल्प करेगा। हाय गाइस, माय नेम इज सिद्धांत, आई एम वेलकम अगेन टू माय YouTube चैनल, जहाँ पे हम फाइनेंस, स्टॉक और ट्रेडिंग से रिलेटेड की बात करते हैं, उससे कैसे आप पैसे अर्न कर सकते हो उसकी बात करते हैं। आज के वीडियो में बताने जा रहा हूँ मैं कि आप कैसे अपना ट्रेडिंग जर्नल बना सकते हो और उसको बना के क्या क्या फायदे आपके हो सकते हैं। बट बिफोर दैट ये समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग जर्नल होता क्या है। तो जो भी आप ट्रेडिंग में कोई भी काम करते हो, कोई भी स्ट्रैटेजी यूज करते हो, कोई भी फॉर्मूला लगाते हो एंट्री करने के लिए, एग्जिट करने के लिए, टारगेट बुक करने के लिए, एवरीथिंग यू हैव टू नोट इट डाउन। बट उससे क्या होगा, होगा ये कि जैसे मान लेते हैं आपने पूरे 3-4 महीने में 4-5 स्ट्रैटेजी यूज की, ठीक है, या फिर 4-5 तरीके लगाए अपने अलग अलग जिससे आपने ट्रेड किया। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा तरीका है जिसने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है, कौन सा तरीका है जिसने सबसे वर्स्ट परफॉर्म किया है? तो बेसिकली आप कहते हो हिट एंड ट्रायल की तरह बात कर लेते हैं, ठीक है। आपके पास चार तरीके हैं, चार तरीकों को आपने अलग अलग जगह लगाया, लेकिन आपको ये आइडिया लगाना पड़ेगा कि उन चार में से बेस्ट कौन है जो परफॉर्म कर रहा है। अगर आपको पता चल जाएगा कि यही बेस्ट है, यही परफॉर्म कर रहा है, तो आप आगे चल के उसको और बार रिपीट कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपने चार तरीके लगाए, आपको ये नहीं पता है कि कौन वर्स्ट परफॉर्म कर रहा है, तो शायद आप आगे उसका यूज करते रहोगे। तो हमें उस वर्स्ट परफॉर्मिंग चीज को एलिमिनेट करना है, जो आपकी गलती हो रही है उसको एलिमिनेट करना है। एंड दैट्स व्हाई ट्रेडिंग का जर्नल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपको पता चले क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है। तो ये आपके सामने एक शीट है जो मैंने अभी बनाई हुई है। अगर आप इसको फॉलो करोगे काफी दिनों तक, तो आपको आइडिया लगेगा कि क्या इसका मतलब, क्या अहमियत है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे पहला तो आपको डेट डालना है, जो भी आप ट्रेड करने जा रहे हो, जिस दिन भी आप ट्रेड कर रहे हो उसका डेट होगा बेसिक। कोई स्टॉक, स्टॉक की जगह आप इसको निफ्टी, बैंक निफ्टी भी कर सकते हो या फिर इंडेक्स कर सकते हो, ठीक है, कोई भी स्टॉक या इंडेक्स। एंट्री का लेवल क्या है, किस पॉइंट पे आपने एंट्री करनी है, ये चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी है। वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे हो सकता है, आपका ट्रेंड लाइन के बेसिस पे हो सकता है, आपका इंडिकेटर के बेसिस पे हो सकता है, जो भी स्ट्रेटजी आप लगाते हो किस बेसिस पे आपने वो एंट्री लेवल फाइंड किया है, वो एंट्री लेवल यहाँ लिखना है और उसका रीज़न किसके बेसिस पे किया है वो यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारा टारगेट का लेवल, कि क्या टारगेट आपने सेट किया है, क्यों सेट किया है, क्या सेट किया है। बहुत सिंपल सा बात है कि टारगेट लेवल जो आपने सेट किया है उसका रीजन आपको पता होना चाहिए। अगर मान लेते हैं आपने 3-4 तरीके हैं आपके टारगेट सेट करने के, एक आपका नेक्स्ट लेवल की वजह से आप करते हो, स्विंग लो स्विंग हाई की वजह से आप करते हो, या फिर मूविंग एवरेज क्रॉसओवर की वजह से आप करते हो, या फिर कोई फिबोनाची की वजह से आप कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, जिस भी वजह से अपना टारगेट आप सेट कर रहे हो वो आपके यहाँ पे रीजन होनी चाहिए। तो मान लेते हैं अगर आपने एक महीना ट्रेड किया और आपको दिखा कि भाई इस पर्टिकुलर टारगेट पे ज़्यादा रिजल्ट आ रहा है, मेरे को जब मैं स्विंग हाई पे करता हूँ तो ज़्यादा रिजल्ट आता है, मैं आपको क्या बोलते हैं फिबोनाची करता हूँ ज़्यादा रिजल्ट आता है, तो फिर आप बेसिकली उस चीज़ को रिपीट कर सकते हो अपनी जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे आपने टारगेट लेवल भी लिखना है, यहाँ पे आपने रीज़न फॉर टारगेट लिखना है, सेम तरीके से स्टॉप लॉस लेवल लिखना है और सेम तरीके से रीज़न फॉर स्टॉप लॉस भी लिखना है। देखो इस चीज़ में अपने आप से झूठ मत बोलना, ठीक है, आप दुनिया से झूठ बोल के बच सकते हो, लेकिन अगर अपने आप से झूठ बोलोगे तो शायद आपको कोई नहीं बचा पाएगा। तो एक चीज़ रखना यहाँ पे कि बिल्कुल बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंसी रखना। यही सेम चीज़ हम जो फंडे और ट्रेडिंग वाले बंदे हैं उनको भी हम सेम चीज़ सिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो रहेगा वो ट्रांसपेरेंट रहेगा, आपने क्या रीज़न था कि स्टॉप लॉस वहाँ पे चुना, जो भी रीज़न हो, अगर आपका गलत रीज़न भी है तब भी यहाँ पे लिखो, तो आपको समझ में आएगा कि जो आप गलत डिसीजन ले रहे हो, जो आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो, जो आपने इमोशंस को अपने ट्रेड से बाहर नहीं निकाला, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आपकी ट्रेडिंग पे। देन सिंपल, उसके बाद आपका प्रॉफिट या लॉस कुछ तो होगा, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। इस शीट को मैं और मॉडिफाई करता रहूँगा, तो बेसिकली आप इसको चेक करते रहना। ये शीट का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इसमें मत कुछ फिल करना भाई, डाउनलोड कर लेना, उसके बाद उसको देखते रहना कि क्या क्या मैंने मॉडिफिकेशन किया है और अपने हिसाब से
चेंज करते रहना। तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस लिखोगे और बाद में आपका एक आएगा प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, जिसको हम वहाँ पे प्लेस करेंगे। तो बेसिकली क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि भाई कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ और उसका परसेंटेज क्या था। नाउ दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्ट्रैटेजी नेम वाला इज काफी इंपॉर्टेंट, बिकॉज समझो इस बात समझो, जैसे आप मान लेते हैं 3 से 4 स्ट्रैटेजी आप यूज करते हो डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट के लिए, जो भी आपके स्ट्रैटेजीज हैं, आप प्राइस एक्शन यूज करते हो, मूविंग एवरेज यूज करते हो, फिबोनाची यूज करते हो, आरएसआई यूज, जो भी यूज करते हो, आपने उस स्ट्रैटेजी को लिस्ट डाउन किया, स्ट्रैटेजी एक, स्ट्रैटेजी नंबर वन, और उसका लिखा कि क्या क्या स्ट्रैटेजी है उसमें, मतलब कि मैं अगर आरएसआई इतना रहेगा तो उस क्रॉस ओवर पे लूंगा, या फिर मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर पे लूंगा, या फिर रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा उस पे लूंगा, सपोर्ट पे लूंगा, दोनों के बीच में ट्रेड करूंगा, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी नंबर 1, 2, 3, 4 जितनी स्ट्रैटेजी आप उनको लिस्ट डाउन करो, ठीक है, सारी स्ट्रैटेजीज को लिस्ट डाउन करो, और जो ट्रेड आपने वो पर्टिकुलर ट्रेड जिस स्ट्रैटेजी पे लिया है उस स्ट्रैटेजी का यहाँ पे नंबर लिखो। इसका फायदा क्या होगा, अगर आपने 5 स्ट्रैटेजी बनाई और सारी स्ट्रैटेजी यहाँ पे मेंशन करते रहे, तो बाय द एंड ऑफ द मंथ या फिर बाय द एंड ऑफ द ईयर आप ये देख सकते हो कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपकी सबसे ज्यादा परफॉर्म कर रही है, कौन सी स्ट्रैटेजी आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रही है और कौन सी स्ट्रैटेजी आपका लॉस करवा रही है। प्रॉफिट वाले को रखो, लॉस वाले को एलिमिनेट कर दो। इसी तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। भाई अगर आपको यही नहीं पता है कि कौन सी चीज़ गलत हो रही है और कौन सी चीज़ सही हो रही है, तो इम्प्रूवमेंट करोगे किस में? गलती ही नहीं पता है तो सुधारोगे क्या? तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे बता रहा आपको, ये एक एक चीज़ आपके ट्रेडिंग सेटअप में या फिर ट्रेडिंग चैनल में होनी चाहिए। और भी चीज़ें मैं इसमें इंक्लूड करूँगा, लेकिन इतनी तो बहुत बेसिक हैं। देन आता है कॉमेंट्स, ठीक है, कॉमेंट्स क्या होने चाहिए? देखो ये है सच्चाई का वक्त। आपने बहुत स्ट्रैटजी बना ली यहाँ तक, बहुत टारगेट्स पारगेट सबको सेट कर लिया, लेकिन जो मार्केट में रियलिटी में होता है वो यहाँ पे फिल करना है, ठीक। आपने कोई स्टॉप लॉस फिक्स किया, आपने उसको फॉलो नहीं किया, वो यहाँ पे फिल करोगे। आपने कोई टारगेट फिक्स किया, आपने उसको फॉलो नहीं किया, वो यहाँ पे फिल करोगे। आपने अपना रिस्क मैनेज नहीं किया, उसको यहाँ पे फिल करोगे। आपके इमोशन बैलेंस हिल गए, उसको यहाँ फिल करोगे। जो भी चीज़ आपको प्रॉब्लम दी उस पर्टिकुलर ट्रेड में, जिस वजह से आपका लॉस हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ, वो यहाँ पे फिल करोगे। प्रॉफिट ना लिखो तब भी चलेगा, लॉस का लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इसमें हम कुछ चीजें और भी ऐड कर सकते हैं जो मेरे को अभी तुरंत ध्यान आया। मान लेते अगर इसमें हम एक और कॉलम ऐड करें, वो होगा आपका कि कैपिटल कितना है, ठीक है, हर एक ट्रेड में, या फिर आपका कैपिटल फिक्स भी हो सकता है। मान लो कैपिटल लिख दिया आपने, कैपिटल कितना है, उसके बाद एक और चीज आप यहाँ पे लिखोगे, रिस्क पर ट्रेड क्या होना था। रिस्क पर ट्रेड मतलब कि उस पर्टिकुलर ट्रेड में आप कितना रिस्क लेने जा रहे हो। अगर उतना रिस्क आपने मान लेते हैं 400 रुपीज का रिस्क ले दिया, ठीक है, ये आपने लिख दिया, और फिर आपको एंड ऑफ द ट्रेड पे लॉस हो रहा है 500 रुपीज का, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ गुड ट्रेड, या फिर मतलब यहाँ पे आपने अपना रूल फॉलो नहीं किया। बिकॉज आपका रिस्क पर ट्रेड अगर 400 रुपीज का था, तो वो मैक्सिमम रिस्क था जो आप ले सकते हो अपनी ट्रेडिंग इस पूरे ट्रेड में, ठीक है। और अगर आपका रिस्क उससे ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब कि आप अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहे हो, देयर इज समथिंग मिसिंग जो आपको सही करना है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने इस चीज को 2 महीने फॉलो कर लिया, तो आपको अपनी औकात समझ में आ जाएगी कि भाई कितने पानी में हो आप, आपको कहां काम करना है, कहां काम नहीं करना है, कौन सी चीजें आपकी अच्छी हैं, कौन सी चीजें आपकी बुरी हैं, ये सब कुछ आपको 2 महीने में समझ में आ जाएगा। एंड इतना भी कर लिया आपने तो आप ट्रेडर बन जाओगे, आपको कोई नहीं रोक सकता, किसी भी कोर्स की जरूरत नहीं है, कोई यूट्यूब चैनल की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये फॉलो कर लो 2 महीने तक एंड यू कैन बिकम अ ट्रेडर। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, अपने दोस्तों से शेयर करो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।